नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आपके परिवार में से कोई उससे इन्फेक्ट हो जाए और उसके बाद आप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराओ। अस्पताल में भर्ती कराकर जब आप बाहर आते हो तो आपके दिमाग में ये घूमते रहता है कि क्या आपके मरीज सुरक्षित हैं, क्या उनका हालचाल ठीक है, क्या उन्हें सही समय पर दवा मिल पा रही है, उनका इलाज कैसे चल रहा है। हर पल परिजन परेशान होते रहते हैं कि किसी तरह उन्हें यह पता चल जाए कि उनके जो परिजन हैं, जो मरीज हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो ठीक हो रहे हैं, उनके हालात में कोई सुधार है कि नहीं है। क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप उनके पास नहीं जा सकते, उनके पास बैठ नहीं सकते, क्योंकि उससे आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। ऐसे में अब दरभंगा जिले की बात करते हैं। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य, एक ऐसा कार्य वो करने जा रहे हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाला है इन चीज़ों के परेशानियों को, यानी कि इन परेशानियों को दूर करने में। जिला प्रशासन ने एक ऐसा ऐप बनाया है, एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिससे मरीज का रजिस्टर मोबाइल डालने मात्र से सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिले के DM त्याग रंजन की। उनके द्वारा यह फैसला लिया गया और उन्होंने ही यह पहल की है, कोविड बुलेटिन ऐप नामक एक ऐप बनाया है जहां आपको रजिस्टर करना होगा मोबाइल नंबर, उसको इसके भी डिटेल मैं आगे बताती हूँ। लेकिन इससे पहले यह बताएं कि ऐप को पूर्व सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी और वर्तमान सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं IT सेल दरभंगा के द्वारा डेवलप किया गया है। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में यह सब कुछ किया गया है। ऐप प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। आपका नाम है कोविड बुलेटिन ऐप। तो दरभंगा से इसकी शुरुआत हो रही है। तो करना क्या है कि DMCH के लिए सुविधा है, DMCH में भर्ती के दौरान मरीज का जो नंबर आप वहाँ डालेंगे, मतलब जो हॉस्पिटल में मेंशन करेंगे, उसी नंबर को आप रजिस्टर करेंगे, यानी कि उसी नंबर को आप ऐप पे डालेंगे। उसके बाद आपको पल पल की जानकारी उस नंबर के थ्रू मोबाइल पर मिल जाएगा, यानी कि अभी उन्हें कौन सी दवा दी गई है, अभी उनके हालात में कितना सुधार है, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हुआ है कि नहीं, क्या उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पा रहा है, दवाएं समय पे मिल पा रही है, कौन कौन से डॉक्टर उन्हें देखने आए, हालात में कितना सुधार है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे DM का कहना है कि अक्सर हमने ये परेशानी देखी है कि लोग ज़्यादा भीड़ इसीलिए लगा के रखते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, क्योंकि उन्हें यह जानना होता है कि उनके जो परिजन हैं वो ठीक हैं कि नहीं। और इस चिंता को हमने अपने आँखों से देखा और इस पर हमने विचार विमर्श किया। उसके बाद हमने यह ऐप डेवलप करने का सोचा जिसके थ्रू दरभंगा के जो लोग हैं, जो भी DMCH में भर्ती होंगे, वो ईजिली यह पता लगा सकेंगे उनके जो परिजन हैं उनकी स्थिति कैसी है। और उन्होंने कहा कि इससे दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि हॉस्पिटल्स के बाहर ऐसे ही भीड़ भाड़ नहीं लगेंगे, क्योंकि परिजन वहाँ नहीं रहेंगे, घरों पे रहेंगे, अपने ऐप के थ्रू देखते रहेंगे। जैसे ही लगेगा कि सिचुएशन ठीक नहीं है तब वो आ सकते हैं देखने, तो ऐसे में भीड़ नहीं लगेगी जिससे हॉस्पिटल के बाहर संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई परिजन कोविड मरीज़ के साथ रुकते हैं तो इन्फेक्शन का खुद खतरा उन पर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी वजह से यह सहूलियत होगी और वो इन्फेक्शन से बच सकेंगे। तो दरभंगा के DM, दरभंगा के जिला प्रशासन के द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल जो की जा रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव गुड न्यूज़ हमने दरभंगा के लोगों के लिए बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव खबरें अगर आपको जाननी हैं तो न्यूज़ PR के साथ आप लगातार बने रहें। हम पल पल के अपडेट्स आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।